तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में एक और बार, जिसका नाम है हमारी बकवास लाइफ। और आज है होली की सुबह। खैर, मैं होली बनाऊंगा तो नहीं, लेकिन हमारे घर में क्या बन रहा है वो ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं। बर्तन तो ये है, पका करके खा सकते हैं। ये अभी मिर्ची के पकौड़े तल रहे हैं। अरे आराम से, कहीं मेरे ऊपर गिरा दो ये छीटा आ जाए। ये बोलो, मेरी मम्मी मिर्ची के पकौड़े पका रही है, बना रही है। अभी सुन रहे हैं। प्याज भी कटा हुआ है, अभी प्याज के पकौड़े बनेंगे। अभी आलू काट रहे हैं, आलू के पकौड़े बनेंगे। अच्छे से आलू की सफाई होती है, जरा भी गंद नहीं रहना चाहिए आलू में, पानी नहीं रहना चाहिए। लाल आलू, रेड पोटैटो। और ये वही है जो अभी कढ़ाई में तैर रहा है, मिर्ची। हाँ, तो अच्छा, प्याज का पकोड़ा है ना, अभी बनाएंगे। अभी बनी नहीं है, अभी तो शुरुआत है। शुरुआत है। सो इट्स द स्टार्टिंग टाइम। लाल आलू, ओके, लाल आलू। और हाथ के पकोड़े और अच्छे बने। हमारे गुल्लू क्या कर रहे हैं, हमारे गुल्लू भाई साहब, चलो एक बार उसको भी देखते हैं। होली का रंग लगा दो। ये देखो मेरा गुल्लू, गुल्लू नहीं डर, देख वहाँ छुप गया वो रहा, वो भी खेल रहा है, चल खेलते रहा। तो अभी तक कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है जैसा कि मैंने दिखाया। तो अभी ये सब जो है बनेगा, ठीक है। और पतला पतला दूसरी वाली डालूंगी। तो ये देखिए, अब ये जाएगा स्विमिंग पूल में, गरम गरम तेल का स्विमिंग पूल में। लाल मिर्ची नहीं थी, लाल मिर्ची वाली भी डालते। लाल मिर्ची पापा लाए नहीं, उसका अचार भी बनाते। कल बेचारा विक्की बोलता रह गया, भाई आजा भाई आजा। पर अमर तो डाइटिंग पे था ना, तो कैसे आता। वही बात है, अरे ये यहाँ से काटना पड़ेगा। अरे ये देखो, अगर मेरी नौकरी नहीं होती मैं ऐसा रेस्टोरेंट खोलती ना कि उसमें दुनिया से सबसे अनोखा खाना मैं खिलाती। अच्छा, मास्टर शेफ में चले जाते। ये देखो बढ़िया लग रहा है दोस्तों, खाइए, होली में आइए खाइए, कैमरा में घुस जाइए और जाके खाइए, रंग लगाइए। होली है। ये अभी कटर से काटा जा रहा है। और ये जो भाई साहब है, ये डाइटिंग कर रहे हैं तो ये तो खाएंगे नहीं है, केवल देखेंगे। हाँ, अभी 15 दिन से खाना नहीं खाया। अच्छा, शक्ल तो दिखा दीजिए भाई साहब। क्या अरे वो डाइटिंग के बाद दिखाएगा भाई। ये है मेरा बड़ा बेटा। हाँ, मैं माँ हूँ, ये जो वीडियो बना रहा है वो मेरा छोटा बेटा। नहीं, मैं तो चोर हूँ। मैं पड़ोसी का लड़का हूँ। और हम लोग मिल करके सारे किचन में काम करते हैं। मैं पड़ोसी का लड़का हूँ। नहीं नहीं, मेरा छोटा बेटा है। तो चलो दोस्तों, आगे कुछ मजेदार अब खाएंगे वाएंगे तब की दिखा दूंगा, या तो फिर ऐसे ही इस वीडियो को परोस दूंगा। और अभी चटनी की तैयारी करने जा रहे हैं। अच्छा, चटनी भी बनेगी, तो फिर वो भी दिखा दूंगा। और ये देखो दोस्तों, अब हम आलू डाल रहे हैं इसमें, लेकिन आलू थिन है इसलिए जल्दी निकालना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ये आलू को ज्यादा वो कर दिया इसने, इतना पतला नहीं। मैंने नहीं करा, स्लाइसर नहीं करा। लेकिन कोई बात नहीं, हम मास्टर शेफ हैं इसलिए हम इसको जैसे कर जैसे तैसे ठीक कर लेंगे। ये है आलू।
अभी इसको ठीक करेंगे थोड़ा और बेसन डाल के। अभी इसको डाल देते हैं फिलहाल। अरे इसमें तो स्पून भी है, कहाँ आलू खो गया, चम्मच अंदर तैर रहा है पतीले के, और आलू भी खो गया, आलू खो गया, हाथ को ऐसे घुमा गया आलू को ढूंढ रहा। अभी इसको ठीक करना पड़ेगा जब तक वो पक रहा है, हटना। चलो अभी बंद करो वीडियो। दोस्तों मैं इसमें अपना हाथ ऐसे तैरा देता हूँ, मैं भी टेक्निक वाला हूँ। टीवी में दिखाता है ना ऐसे हाथ कढ़ाई में डाल के झांक देता है। एक रह रहा था उसमें। ये मिल गया ये। अरे फ्लफी हो रहा है, फ्लफी। बढ़िया लग रहा है मुझे तो, बढ़िया ही लग रहा है। फूल रहा है। तो अभी चटनी बनाएंगे उसके बाद। अभी इसको ठीक बनाया जा रहा है राजधानी बेसन। तो ये देखिए ये है राजधानी बेसन, इसका प्रयोग करें और अपने पकोड़े को टेस्टी बनाएं। इसको कहते हैं फ्री का एडवर्टाइजमेंट। अब ठीक हो गया, अब मेरा आलू का पकौड़ा और भी अच्छा बने। उसको थोड़ा चलाइयो भाई, मेरे को ना कभी पता चलेगी। हाँ पलटू क्या? पलट पलट। इस बार के बेसन तो पापा ने अच्छा लाया, राजधानी बेसन, एकदम राजधानी ट्रेन की चल तरह चल रहा है। पलट ही गया होगा, पता नहीं। नहीं पलटा तो दोनों साइड से तो पीलो ही आएगो। पीलो आएगो ना ऐसे पलटते हैं। वही क्या है? अभी नहीं हुआ है, अभी आलू पकने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है, 5 मिनट। अच्छा पापा इंतजार कर रहे हैं बिना चटनी का। मैं चटनी बनाती हूँ थोड़ी सी। हरी चटनी लाल चटनी? मैं हरी चटनी, मुझे तो वैसे हरी पसंद है। अच्छा देखिए दोस्तों हमारे पास अभी धनिया तो है नहीं, या लाना भूल गया जिसको भी लाना था, और हम चले हैं चटनी बनाने। अब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पकौड़े जो है कुछ बन के तैयार हो गए। प्याज का पकौड़ा बन ही रहा है, और ये हमारी चटनी है जो कि दही और कुछ पता नहीं क्या क्या मिला के बनाया है। और ये हमारे गुल्लू है, वो भी नाश्ता कर रहा है। वो बस ऐसे घूम रहा है, वो अपना असल में वो बस केक खाता है, वो अपने मॉफिन, केक मॉफिन। चल 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 मॉफिन केक खाता। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू किचन अगेन। सो दीज आर द प्याज का पकौड़ास, एंड हम क्या इसमें से देख रहे सोनू, अगर वीडियो देख रहा है तो हम तेरे लिए भी इसमें से भेजेंगे। अभी वी विल सेंड हाफ ऑफ द पकौड़ास टू यू एंड हाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ इट वी विल हैव इट। ओके बिकॉज वी आर नॉट ग्रीडी माय बॉय। तो ये बन गया है और बढ़िया है। क्या चीज है पता है? क्या है? दही है। अच्छा कैसा है खा के बताइए। खाइए खाइए, वैसे तो वो खा ही रहे जब इसे। उस दही में या चटनी में डुबा के कैसा लग रहा है ये? ये बेसन बढ़िया है, बेसन इज वेरी गुड। मैं भी खाता हूँ, बढ़िया लग रही है। हेलो तुम्हारे कंधे पे जाएगा, ये देखो ये देखो ये देखो, अब ये मेरे कंधे पे चढ़ेगा। अरे 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 ये चढ़ गया मेरे कंधे पे। बैक कैमरा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं
आई एम ईटिंग द पकौड़ा एंड गिल्लू इज ऑन माई बैक. Now let's take Gillu to the kitchen again. But Gillu is very scared enough. हर पूरे घर में घूमता है, घुमाते हैं हम लोग बोलो. Yes. कैमरे पे मत चढ़ जाइयो गिल्लू. बाबू. जब ये किचन में आता है तो थोड़ा डर जाता है क्योंकि यहाँ ये खाना पक रहा होता है ना, तो उसको थोड़ा डर लगता है. अरे आराम से चलो चलो. वो मेरे को कह रहा है चल घर में चल वापस. तो अब हम गिल्लू को वापस यहाँ छोड़ देंगे. आ जाओ उतरो 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 उतरो.